में है तो पांचवें चरण की जिन 12 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें सबसे चर्चित सीट अमेठी की, और अमेठी में इस बार कांटे की टक्कर है क्योंकि राहुल गांधी की साख भी दांव पर लगी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी की नाक का सवाल भी है। यहां पर आज अमेठी की जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। यूं तो पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होने हैं, मगर सबसे दिलचस्प लड़ाई है अमेठी की। अमेठी उत्तर प्रदेश का 72वां जिला, जो कांग्रेस की साख और बीजेपी की नाक का सवाल बन गई है। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी समर में फिर से हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरा दमखम झोंक दिया है। अमेठी में 2014 के परिणामों पर नजर डालें तो 2014 में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले। स्मृति ईरानी को राहुल ने 1,07,903 वोट से हराया। मगर किसी भी चुनाव में अमेठी पर इतनी चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मानस पटल पर यह छप चुका है कि अमेठी से नेहरू गांधी परिवार को कोई नहीं हरा सकता। और लोगों के जहन में ये बात इसलिए भरी हुई है क्योंकि 1998 के सिवाय 1980 से लगातार कांग्रेस की जीत हुई। 1980 में संजय गांधी की जीत, जबकि 1984 में राजीव गांधी मैदान में उतरे और लगातार तीन बार सांसद रहे। 1996 में गांधी परिवार के करीबी सतीश शर्मा जीते। 1998 में बीजेपी के संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराया। 1999 में सोनिया गांधी ने बीजेपी के संजय सिंह को हराया। 2004 में सोनिया ने राहुल के लिए ये सीट खाली की, और उसके बाद 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी की जीत। मगर इस बार अमेठी की जंग राहुल के लिए उतनी आसान भी नहीं है। अमेठी से लगातार 15 बरस से सांसद रहे राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अमेठी के लोगों को ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि राहुल को हार का डर है। स्मृति अमेठी में लगातार डटी रही हैं, लेकिन अमेठी के लोगों में भरोसा भरने का काम प्रियंका ने खूब किया। भैया को जिताने के लिए बहन प्रियंका लगातार अमेठी की गलियों की खाक छानती रहीं। आपको बता दें कि अमेठी में कुल मतदाता 16,69,843 हैं, जिसमें महिला मतदाता 7,79,148 हैं, वहीं पुरुष मतदाता 8,90,648 हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी की जनता परंपरागत तौर पर एक बार फिर गांधी परिवार को ही विजय बनाती है, या बदलाव की बयार बहाकर स्मृति के नाम का परचम लहराती है। आज तक ब्यूरो। और यही बात बार बार स्मृति ईरानी कहती रही कि वायनाड चढ़े गए राहुल गांधी, और जिस दिन आपको याद होगा कि वायनाड की सीट का अनाउंसमेंट हुआ था, उस दिन भी स्मृति ईरानी ने यही कहा था कि मैं वायनाड के लोगों को यही कहूंगी कि पहले अमेठी में हुए विकास का जायजा ले ले और फिर उसके बाद राहुल गांधी को वोट डाले। इसी को मुद्दा बनाकर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। हमारे साथ हिमांशु मिश्र रायबरेली से मौजूद है, क्योंकि हिमांशु सिर्फ दो ही सीटें थी जो कि बचा पाई थी कांग्रेस, और बाकी सीटों पर मोदी लहर कहे कि बीजेपी काबिज थी। कल आपको याद होगा कि मायावती ने, क्योंकि इस बार मुकाबला बीजेपी वर्सेस महागठबंधन और कांग्रेस है, वर्सेस कांग्रेस भी है, कल मायावती ने यह कहा था कि मैं वोटर्स को ये कहूंगी, जिस तरीके से अपील की थी कि बीजेपी को वोट ना देकर इन दोनों जगहों पर कांग्रेस को वोट दे, तो किस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में पूरे नजर आती है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर आप देखें कि दो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए गठबंधन ने दो सीटें छोड़ी, उनमें से एक अमेठी है और एक रायबरेली। अगर यहां पर भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए होते तो जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो यहां पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाती, और शायद ये सिलसिला जो है 2004 से है। बीएसपी ने 2014 के अंदर अमेठी में भी अपना कैंडिडेट उतारा था और रायबरेली में कुछ वोट जरूर लिए थे, लेकिन अगर ये गठबंधन यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार देता तो शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते थे, और यही कारण है कि कांग्रेस को भी दो सीटों पर यहाँ पर एज मिल रहा है। और बाकी सीट अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो 78 सीटों में कहीं कांग्रेस जो है पूरी तरीके से फाइट में नज़र नहीं आ रही है, और इसीलिए आप देखिए कि जातिगत समीकरण है उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी को यहां पर कड़ी मेहनत इन दोनों सीटों पर करने पड़ी है, क्योंकि गठबंधन ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है। और सोनिया गांधी यहां से पांच बार चुनाव जीत लड़ चुकी हैं, पांचों बार जीती हैं। एक बार 2007 के अंदर उनको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और यहां से 2007 में जब वो बाई इलेक्शन लड़ी थी
तो विनय कटियार जो बीजेपी के कदावर नेता होते थे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो चुनाव लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और उसके बाद 2009 के अंदर भी सोनिया गांधी जीती और 14 के अंदर मोदी लहर के अंदर भी जो है सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और देखा जाए तो कांग्रेस की रणनीति के पार्ट रहे हैं। रायबरेली में किस तरीके से कांग्रेस रणनीति बनाती रही है सोनिया गांधी के लिए, उसके पार्ट रहे। तो अब देखना यह है कि कैसी रणनीति दिनेश प्रताप सिंह जो है कांग्रेस के खिलाफ बनाते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के हर उस चाल को जानते हैं जो राजनीति के अंदर चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, चलेंगे सीधा, हमारे साथ नागौर से गोपी इस वक्त मौजूद है। लेकिन गोपी, अगर हम बात करें राजस्थान की, जिन